जिस केरल मॉडल की बात वामपंथी पूरे देश में डंके की चोट पर करते हैं, उसकी कलाई तो कोरोना काल में ही खुल गई थी, जब लगभग 1.5 साल तक लगातार रोजाना हजारों केस केरल में आते रहे और सरकार अपने कथित स्वास्थ्य मॉडल के तहत उन्हें रोक नहीं पाई। और अब तो केरल कंगाली की तरफ बढ़ चुका है। पिनराई विजयन के नेतृत्व में चल रही केरल की वामपंथी सरकार के पास राज्य परिवहन के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए फंड नहीं है, जिसके बाद केरल राज्य सड़क परिवहन निगम यानी KSRTC के कर्मचारियों की ड्यूटी 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि वामपंथी खुद को मजदूरों का हितैषी बताते फिरते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब मजदूरों की बात करने वाले वामपंथी राज्य परिवहन के कर्मचारियों के वर्किंग आवर में 4 घंटे की बढ़ोतरी कर रहे हैं। केरल राज्य परिवहन निगम के करीब 25,000 कर्मचारी वेतन न मिलने के कारण से पिछले कुछ महीनों से आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन के चलते वेतन संकट को हल करने के लिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने KSRTC मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद सरकार ने परिवहन प्राधिकरण के लिए निर्धारित 100 करोड़ के बजट को रिलीज करने का आदेश दिया था। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सेस फंड KSRTC द्वारा मैनेज किया जाएगा। इस आदेश में सरकार द्वारा वेतन देने के लिए बाकायदा शर्त रखी गई है। आदेश में कहा गया है कि सरकार यह फंड इस शर्त पर रिलीज कर रही है कि राज्य परिवहन के कर्मचारियों को 12 घंटे की सिंगल ड्यूटी करनी होगी। बताया जा रहा है कि केरल की वामपंथी सरकार कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करके 1300 अतिरिक्त बसों को चलवाना चाहती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बसें कर्मचारियों के अभाव में डिपो में खड़ी खड़ी पड़ी हुई हैं, लेकिन अब 12 घंटे की ड्यूटी के साथ इन बसों का संचालन किया जा सकेगा। दरअसल केरल सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की ड्यूटी बढ़ाकर वो राज्य परिवहन निगम के राजस्व में बढ़ोतरी कर सकती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जब नए श्रम कानून पेश किए थे, तब वामपंथियों ने इसका कड़ा विरोध किया था। इस विरोध में कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कहा गया था कि यह कानून श्रमिकों के शोषण को बढ़ाएंगे। गौरतलब है कि श्रम कानून में किसी भी व्यक्ति से एक दिन में 8 घंटे से अधिक समय की ड्यूटी कराने का प्रावधान नहीं है, लेकिन अब केरल सरकार को इन प्रावधानों से कोई मतलब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।